जो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टेस्ट हुआ है उसका अब हम सलूशन करते हैं। क्या हुआ था आपका टेस्ट? बेसिक फंडा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और साथ ही साथ आपका एनालिटिक फंक्शन का था टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं इनके सलूशन को करना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, कहता है लेट कैपिटल एन इज आ टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू दियर सम इक्वल एन देन यूनिट डिजिट ऑफ एन वुड बी, ठीक है। आपको एन की वैल्यू बतानी है कि एन की वैल्यू क्या रही होगी। आपको जो एन गिवन है वो क्या है, टू डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं कि एक्स वाई है, ठीक है, टू डिजिट का नंबर है। और यहाँ पे क्या है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट मतलब एक्स इंटू वाई, इसको हम क्या करें ऐड कर देते हैं इसके सम में, मीन्स एक्स प्लस वाई, इसका सम और इसका प्रोडक्ट जब आपको ऐड करना होता है तो ये किसके इक्वल मिल जाता है, ये आपको एन के इक्वल मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है 1, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है 7, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 8, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 9, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम टू डिजिट के नंबर में 1 और 9 ले लें तो यहाँ से आपको 1 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 1 9 प्लस 9 1 10, सम करेंगे तो ये आपको 19 मिल जाएगा, जो कि यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो है आपको क्या बतानी है, यूनिट डिजिट के प्लेस पे कौन सा नंबर है वही आपको बताना है, यूनिट डिजिट ऑफ एन, इस नंबर एन का यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कहता है इफ पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 एंड क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज पी क्यू आर, पी क्यू आर की क्या वैल्यू होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 और क्या है क्यू प्लस 1 बाई आर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको जो है सेटिंग करनी है और पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, क्यू को यदि हम ले लें 2 और यहाँ पे R को हम ले लें माइनस का 1, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है P Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू आपकी 2 है, तो P को भी आप क्या ले लीजिए 1/2, ताकि आपका 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू 1 आ जाए, जो कि ये 1 है, ठीक है। P की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, Q की वैल्यू की बात करें तो 2 है और R की वैल्यू आपकी माइनस का 1 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं पी क्यू आर में, तो 1/2 इंटू 2 इंटू माइनस का 1, 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 1। पी क्यू आर की जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलेगी, माइनस का 1 मिलेगी। ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3^256 इज डिवाइडेड बाई 5। जब आपको 3^256 को क्या करना होता है, 5 से डिवाइड करना होता है, तो उसका रिमाइंडर ही आपको बताना है, मतलब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 3^256 को जब आपको 5 से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिमाइंडर आपको बताना है, क्या है रिमाइंडर आपको बताना है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको कहीं पे लिखा होता है 2 congruence to 1 mod, या फिर हम यूं कहें कि 5 congruence to 1 mod 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको 3^256 कॉन्ग्रुएंस टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये चीज़ें आपको बतानी है और किसके ऊपर बतानी है, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो ये आपका मोड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है और देखना है कि यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखिए करते हैं, ओके, यहाँ पे आपको जो है देखिए 3^3 = 9, 3^81, 3^27 और 4^ करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है
कि जब आप 3 की पावर 4 करते हैं तो यहाँ पे आपको 81 मिलता है, 81 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपको 1 मिल जाता है। कॉन्ग्रुएंस टू 81 मोड 5। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो होती है आपको इससे लेस देन लेनी होती है, मतलब रिमाइंडर आपको जब भी मिलेगा वो आपके जो जिससे आप डिवाइड करते हो उससे कम ही मिलेगा। मतलब 81 को 5 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर लिखिए, क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपको 1 मोड 5 मिलेगा, ठीक है, 3 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 256 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और देखेंगे कि हमें कितनी पावर करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है 4 4 जाए 24, ये आपका 1 बचेगा, 16 4 4 जाए 16, तो यहाँ से आपको जो है 44 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है 3 raised to power 4 raised to power 44, 4 4 जाए 16 4 4 जाए 16, एक मिनट, 256 है, यहाँ से आपका 64 होगा, क्या है, 64 है। और यहाँ पे 3 raised to power 4 raised to power 64, 4 4 जाए 16, और यहाँ पे जो है 4 6 जाए 20, 4 और यहाँ पे 1 कैरी है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। मतलब यहाँ पे 3 raised to power 4 और इसकी पावर यदि हम बोथ साइड की 64 कर दें तो यहाँ से भी इसकी भी पावर 64 हो जाएगी और ये आपका मोड 5 हो जाएगा। 1 की हम कितनी भी पावर करेंगे हमेशा हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल लिखी हुई है, ये आपका 3 raised to power 256 लिखा हुआ है, ये किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, 1 mod 5, दैट मीन्स रिमाइंडर इसका जो है जब आप 3 raised to power 256 से क्या है किसको डिवाइड करते हो, 3 raised to power 256 को किससे डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, वो रिमाइंडर आपका 1 मिल जाता है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में आपका 1 है, उसी ऑप्शन को आपको पिक करना है जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही 1 लिखा हुआ है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड नोट देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, एफ जेड इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड नोट। फोर्थ ऑप्शन कहता है नन ऑफ दीज। आपको रिजल्ट भी आपको पता है, क्या पता है कि आपका जो है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बट कन्वर्स नीड नोट बी ट्रू, मीन्स प्रत्येक आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है लेकिन जो आपका प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो दिया है क्वेश्चन के अंदर वो क्या गिवन है, वो ये कहा गया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक पॉइंट ऐसा है जो कि जेड नोट है और उसी के ऊपर वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि वो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है तो श्योर है कि वो डिफरेंशिएबल, जी नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी श्योरिटी नहीं है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएबल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास काउंटर एग्जांपल है, जो आप हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन और रिजल्ट भी हमें पता है तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग यदि हम करें तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, एफ जेड इज नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। एफ जेड जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा जेड नोट के ऊपर। यस, ये आप जो है सही बात बोल रहे हो, कौन से ऑप्शन में सही बात बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, तो ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर। ये आपको बताना है कि ये आपका एवरी हुयर एनालिटिक है, नो हुयर एनालिटिक है, एनालिटिक एट जेड नोट है या फिर नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन को पिक करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मोड जेड का स्क्वायर है, क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आपको मोड जेड का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे जो है इसको यदि हम अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, यहाँ से आपको एक्स प्लस आयोटा वाई के मोड का स्क्वायर, ये आपको अंडर रूट तो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एफ जेड आपका क्या होता है, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये तो रियल पार्ट रहा क्योंकि इसके अंदर जो है आयोटा तो है नहीं, तो यहाँ से आपको मिलना होगा आयोटा इंटू जीरो, ठीक है।
तो यहाँ से यदि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेरिजन करें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा इन टू वी से, तो यहाँ से यू की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वी की वैल्यू है ये आपको जीरो मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन की हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन आपका एनालिटिक है, तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और वो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होना चाहिए, वो अपने नाइबरहुड के अंदर। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो वो फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। क्या कहा हमने, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस फंक्शन को, और वो अपने नाइबरहुड के अंदर जो है यदि आपका डिफरेंशिएबल हो जाता है तो वो फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाता है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल मान लीजिए कि यही फंक्शन है आपका और इसको आपको डिफरेंशिएबल बोलना है, और डिफरेंशिएबल बोलना है तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल बोलने के लिए यहाँ पे जो आपके u और v है ये आपके कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब यदि आपका u v कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपको चेक करने की डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इसका जो है फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सभी के सभी आपके क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए, और ये सभी के सभी आपके कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या करने चाहिए, ये आपके कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। ठीक है, डिफेंसिबिलिटी की कंडीशन हम फिर से बता देते हैं। यहाँ से जो है देखिए, कोई फंक्शन है, आप ये चेक कीजिए कि जो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद जो उसके जो यू और वी है रियल और इमेजिनरी पार्ट के फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट होने चाहिए, और जो आपके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे उसको जो है आपको कंटिन्यूअस होना होगा। वो कंटिन्यूअस होंगे तो ये चेक कर लीजिए कि वो हमारे सी आर इक्वेशन को, कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं, ये सारी कंडीशन फुलफिल है, तो फंक्शन आपका जिस पॉइंट पे ये आपका इक्वलिटी है, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो वो आपका जो फंक्शन है वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू आप रखते हो तो यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें वैलिड होती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो तो वो आपका एवरीवेयर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये तो आपको ट्रिक रही और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब यदि आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो उसके नाइबरहुड में डिफरेंशिएबल होने का। जब फंक्शन ही आपका डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो आपके नाइबरहुड के अंदर कैसे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता है, और ना ही वो फंक्शन आपका एंटायर फंक्शन बन सकता है। ठीक है, ये आपका रहा, और यहाँ पे ये आपको मिल चुका है u की वैल्यू, ये आपका v है, ये आपका पॉलिनोमियल है, और ये भी आपका पॉलिनोमियल है जो कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस है, और ये भी आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, मतलब u और v आपके कंटिन्यूअस है। अब दूसरी बात आई कि इसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव देखिए एग्जिस्ट हो रहे हैं या फिर नहीं है। अब यहाँ पे यदि हम ux की वैल्यू देखें तो ये आपको 2x मिल जाएगा, uy की वैल्यू देखें तो ये आपको 2y मिल जाएगा, vx की वैल्यू देखें तो 0 है, vy की वैल्यू देखें तो 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये क्या आपके पॉलिनोमियल के टाइप के हैं, मतलब ये भी आपका कंटिन्यूअस ही होगा, एग्जिस्ट हो रहे हैं और पॉलिनोमियल है राइट साइड में, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी आर इक्वेशन कासी रहमान इक्वेशन चेक करते हैं, क्या यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई है और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स है। यहाँ से आपको 2y इज इक्वल टू माइनस का 0, और यहाँ से जो है आपको ux की वैल्यू 2x इज इक्वल टू vy की वैल्यू 0, मतलब ये तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब आपका पॉइंट z इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब देखिए z इज इक्वल टू 0 पॉइंट का मतलब 0 प्लस आयोटा इंटू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। ये जो आपका फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू मार्ज जेड का स्क्वायर, ये आपका सिर्फ और सिर्फ पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है। यदि इसके नाइबरहुड की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू 0 का नाइबरहुड क्या होगा, 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, कुछ भी आप ले लेंगे, तो ये आपका कंडीशन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये जो आपका फंक्शन है ये अपने नाइबरहुड के अंदर डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा।
लेकिन ये फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जेड इज इक्वल टू जीरो पर डिफ्रेंशिएबल है, अपने नाइबरहुड में डिफ्रेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका डिफ्रेंशिएबल फंक्शन तो है जेड इज इक्वल टू जीरो पे, बट ये फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है और ना ही ये फंक्शन आपका एंटायर फंक्शन बन पाएगा क्योंकि एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि जो है जब एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा, जीरो का नाइबरहुड एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कहता है कि एवरीवेयर एनालिटिक जी नहीं, हम एक पार्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं तब हमें डिफरेंशिएबल जाके मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, ये आपका एनालिटिक नहीं हो पाएगा। अब ये कहता है सेकेंड ऑप्शन में एनालिटिक एट जेड नोड, जी नहीं ये किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है एनालिटिक नहीं है, और सेकेंड ऑप्शन में कहता है कि नो हुएर एनालिटिक, जो आपका फंक्शन है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट एज इट इज क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहता है द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जीरो। यस, ये फंक्शन आपका जेड इज इक्वल टू जीरो पे सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूस हो रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन आपका क्या है डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में, कहता है द ओनली फंक्शन एमंग द फॉलोइंग दैट इज एनालिटिक इज एनालिटिक। देखिए आप एंटायर फंक्शन देख लीजिए, एंटायर जो फंक्शन होते हैं आपके सेवन टाइप के एंटायर फंक्शन होते हैं, वो यहाँ पे हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो एंटायर फंक्शन की होती है वो आपके टोटली सेवन एंटायर फंक्शन होते हैं। क्या है टोटली सेवन आपके एंटायर फंक्शन है, पहला क्या है एफ जेड इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ जेड, क्या है पॉलिनोमियल ऑफ जेड ले लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लीजिए, तीसरी बात ये है कि एफ जेड इज इक्वल टू आप एक्सपोनेंशियल पावर में जेड ले लीजिए, चौथा आपका जो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड ले लीजिए, और यहाँ पे पांचवा आपका जो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोस जेड ले लीजिए, छठा जो है आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड ले लीजिए, और जो सातवां आपका एंटायर फंक्शन है वो आपका साइन हाइपरबोलिक जेड नहीं, क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक जेड। सेवन आपके एंटायर फंक्शन है पॉलिनोमियल इन जेड, कॉन्स्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल पावर जेड, कोस जेड, साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड, 3, 3, 6, 1, 7 टोटल आपके सेवन हो जाएंगे एंटायर फंक्शन। यदि आपसे एंटायर फंक्शन की बात की जाएगी तो आपके माइंड में ये चीज़ें तुरंत आ जानी चाहिए और इसकी हेल्प से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके ऑप्शन को रिमूव भी कर पाएंगे आप। ठीक है, और ये जो आपका एंटायर और एनालिटिक डिफरेंशिएबल इन सब में हम आपको रिलेशन बता देते हैं। देखिए जो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर आपका बात आती है डिफरेंशिएबल की, फिर आपकी बात आती है एनालिटिक की, फिर आपकी बात आती है किसकी, एनालिटिक हो चुका है, फिर आपका एंटायर हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस जो फंक्शन है वो आपका जो है हो सकता है कि वो डिफरेंशिएबल हो या फिर ना हो। ठीक है, जब हो सकता है कि डिफरेंशिएबल होगा तो उसके बाद का प्रोसेस होगा एनालिटिक और एंटायर चेक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है वो आपका एनालिटिक हो या फिर ना हो, कोई यहाँ पे हम बोल नहीं सकते। कंटिन्यूस फंक्शन आपका एंटायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंटिन्यूस फंक्शन आपका एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली कंटिन्यूस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो आपका एनालिटिक फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएबल और एंटायर में बात करें तो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका एंटायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इस तरीके से इनका आर्डर बता दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आपका एंटायर फंक्शन होता है वो आपका एनालिटिक फंक्शन भी होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा, वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। जो आपका एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपका डिफरेंशिएबल भी होता है, वो आपका कंटिन्यूस भी हो सकता है। जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन भी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्क करना, मतलब ये है कि इसको जो है आप 8th क्लास मान के चलिए, इसको आप 10th क्लास मान लीजिए, इसको आप 12th मान लीजिए, और इसको जो है जो एनालिटिक फंक्शन है ठीक है उसको आप जो है चलिए यहाँ पे जो है इसको ग्रेजुएट मान के चलिए। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए और ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहता है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो एनालिटिक है। अब यहाँ पे जो है एनालिटिक फंक्शन की कैटेगरी में रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड या फिर जेड का कंजुगेट तो नहीं लिखा गया, मतलब पहला दूसरा तीसरा तो जो है हमारे पास कोई भी स्योरिटी नहीं, वहाँ पे हमें चेक करना होगा। बट यदि हमें जो है एनालिटिक फंक्शन मतलब एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में कौन है, साइन जेड जा रहा है, साइन जेड जब आपका एंटायर है तो वो है आपका एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ में एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड गिवन है, जो कि आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। जो साइन जेड है वो आपका एनालिटिक फंक्शन भी हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट्थ में आइए, यहाँ पे क्या है, कहता है इन आर्डर देयर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, बी कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो, बी शुड डिफाइन एफ जीरो इक्वल टू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। करते हैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर अपॉन जेड, और यहाँ पे कब है, जब आपका जेड नॉट इक्वल टू जीरो, और ये आपका जीरो कब है, जब आपका जेड इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बतानी है, और ये क्या बोल रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्या है, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब यहाँ पे जेड टेंस टू जीरो पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है, सभी की सभी इक्वल होंगी। अब यहाँ पे जो है फंक्शन की वैल्यू जीरो कब मिलती है, जब आपका जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है जेड इज इक्वल टू जीरो पे, वो आपकी जीरो है। मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है वो आपको जीरो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसके अंदर जीरो है, यही आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के लिए, जो आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड होता है वो आपका यू प्लस आयोटा वी के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यू वी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, यू और वी आपके क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन है। मतलब ये है कि U जो है आपका V का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, V आपके U का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। क्या है, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। जब आपका फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मीन्स ये फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा, और एंटायर है तो यहाँ से क्या आएगी, उससे छोटी बात यह है क्या, एनालिटिक हो जाएगा। क्या है, वो आपका एनालिटिक हो जाएगा। जब भी आपको ये कहे कि U आपका U और भी यदि आपका हार्मोनिक बोले, तब तो यहाँ पे फंक्शन आपका एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट जब आपको यू वी दोनों को क्या बोल दे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोल दे, दैट मीन्स यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो वो क्या करेगा, हार्मोनिक का मतलब ये आपका जो यू फंक्शन है वो क्या है, वो आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, और कॉन्स्टेंट फंक्शन किसकी कैटेगरी में आता है, एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में आता है, और एंटायर है तो ये आपका एनालिटिक हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे कहता है यू वी आर हार्मोनिक फंक्शन, यू और भी आपकी क्या हो जाएंगी, जब ये आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक है तो ये आपका हार्मोनिक हो जाएगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो आपके लैपलास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। मतलब यू और भी आपकी कैसे हो जाएंगे, यू भी आपके हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे। और क्या वो बात बोलता है, वो कहता है कि यू प्लस आयोटा भी, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड जो है वो भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। यस, जब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एनालिटिक तो है, यू और भी आपके क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, क्या है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से ये आपका हार्मोनिक होगा, और इसका जो सम है यू प्लस आयोटा भी मीन्स एफ ऑफ जेड, ये भी आपका एनालिटिक हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में यही बोल भी रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका एनालिटिक है,
और यू वी आपके हार्मोनिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है, 3 पॉइंट का है, मतलब 3 मार्क में पूछा गया है, तो एक ही ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यू भी आपके हार्मोनिक है, यू प्लस आयोटा बी मे नॉट बी एनालिटिक, जी नहीं वो आपका एनालिटिक होगा, ठीक है। यू भी आपका क्या है, हार्मोनिक है, बट यहाँ पे यू प्लस आयोटा बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब पहले और तीसरे में या फिर पहले और चौथे में, यदि हम पहले तीसरे और चौथे में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड रखी गई है, तो यहाँ से हम किस ऑप्शन को पिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को पिक करेंगे। यदि यही क्वेश्चन आपका क्या होता, पार्ट सी का क्वेश्चन होता, तो आप कौन कौन सा ऑप्शन फिल करते, आप फर्स्ट ऑप्शन फिल करते, थर्ड ऑप्शन को भी फिल करते और ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी आपको फिल करना होता, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होता, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एनालिटिक फंक्शन इज, क्या है जो आपका एनालिटिक फंक्शन है। हम यहाँ पे जो अभी 7 टाइप के आपके एंटायर फंक्शन बताए गए थे, उनके अंदर से कोई भी आप एक फंक्शन ले लीजिए, उसको आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट, वो आपका एनालिटिक तो होगा, एंटायर है तो एनालिटिक है, और एनालिटिक है तो उसको जो है आप क्या कर सकते हो, जो आपका एंटायर फंक्शन है वो एनालिटिक है, मतलब एंटायर फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट मेनी टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्या है, इनफाइनाइटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, लेट एफ बी एन एनालिटिक इन अ रीजन एट एवरी पॉइंट आइदर एफ इज इक्वल टू 0 या फिर उसका डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कहता है कि जो फंक्शन है आपका वो या तो आपका 0 है या तो उसका डेरिवेटिव आपका 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन आपका 0 फंक्शन रहा होगा, और 0 फंक्शन क्या है, जब आप फंक्शन को 0 फंक्शन ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 0 है। 0 है मतलब कि कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन हमारा एंटायर फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एंटायर के बारे में तो बात नहीं किया है, बट यहाँ पे पॉलीनोमियल कॉन्स्टेंट और नॉन कॉन्स्टेंट के बारे में ज़रूर बात किया है। तो यहाँ पे जो है, जो आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है वो आपका पॉलीनोमियल होता है, बट जो पॉलीनोमियल है वो आपका कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं हो सकता है, मतलब पहले और दूसरे में यदि हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो रिजल्ट हमारा क्या है, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज आ पॉलीनोमियल, बट एवरी पॉलीनोमियल नीड नॉट बी आ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए कि कॉन्स्टेंट है तो ये तो पॉलीनोमियल है, बट यदि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉलीनोमियल ले लें तो क्या ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, जी नहीं। इसी के आधार पे हमने रिजल्ट ये बनाया, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज आ पॉलीनोमियल, बट एवरी पॉलीनोमियल नीड नॉट बी आ कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो यहाँ से हमारा जो है बेस्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन है इसलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही फिल करेंगे, यदि ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन होता तो हम पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन को पिक करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका अच्छा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको जो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू गिवन है ई की पावर कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, ई की पावर जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको आपको देखना है कि जो है आपको एंटायर फंक्शन है एनालिटिक इन यूनिट डिस्क, नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट नन ऑफ दी अबव, ठीक है। इसको चेक करेंगे हम, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस आयोटा वाई, ये आपको e रेज टू पावर x हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा e रेज टू पावर माइनस आयोटा, मतलब cos y प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये आपका माइनस आयोटा साइन y, ये आपको मल्टीप्लाई कर लेना होगा e की पावर x cos y माइनस आयोटा ई की पावर एक्स साइन वाई। इसके यदि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपेरिजन करें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी से, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स कोस इंटू वाई, और वी इज इक्वल टू आपको माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेज टू पावर एक्स है,
ई रेज टू पावर एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है पॉलिनोमियल के टाइप का होगा, एक्सपेंड करेंगे तो यह भी आपका जो है क्या होगा पॉलिनोमियल टाइप का, मतलब यहाँ पे ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये आपका यू और भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करने की बात आई, तो यहाँ पे करली यू बाई करली एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव देख लेंगे, वो एग्जिस्ट होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई मिल जाएगा, और यहाँ से करली यू अपॉन करली वाई करेंगे तो ये आपको माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करली वी बाई करली एक्स करें तो यहाँ से माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई मिल जाएगा, और यहाँ से करली वी बाई करली वाई करें तो यहाँ से आपको जो है माइनस ई की पावर एक्स और साइन वाई का आपको क्या मिल जाएगा कोस वाई मिल जाएगा, ठीक है। जो कि ये भी आपके क्या होंगे, इसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं और ये भी आपके कंटिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन चेक करेंगे, मीन्स कासी रहमान इक्वेशन चेक करेंगे, करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, करली यू बाई करली एक्स क्या है ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, ये आपका जो है क्या है माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस वाई, क्या ये दो चीज़ें आपकी इक्वल है, जी नहीं, ये आपकी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, क्या आपका वन माइनस वन की इक्वल हो सकता है, जी नहीं, ये तो आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं है, क्या है ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में यही लिखा हुआ है कि ये जो आपका फंक्शन होगा नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, ये फंक्शन आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कहता है लेट एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टेंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ द फॉर्म, जो फॉर्म लिखी हुई है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो फॉर्म कैसी है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई, ठीक है, मतलब यू और वी है और यू वी आपके किसके फंक्शन है, एक्स वाई के फंक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है आपको गिवन है, या फिर इक्वल्स टू यू एक्स कामा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कामा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे u की वैल्यू आपको गिवन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई, जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन हो और एक वैल्यू आपको दे दी जाए, वहाँ से आपको f की वैल्यू या फिर v की वैल्यू पूछे, तो आप पहले ये चेक कीजिए कि जो आपका फंक्शन u है ये आपका जो है लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं, मतलब ये चेक कीजिए कि ये फंक्शन आपका हार्मोनिक फंक्शन है या फिर नहीं, यदि आपका ये फंक्शन गिवन फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है तो इसकी हेल्प से आप b और f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि ये आपका हार्मोनिक फंक्शन नहीं होगा तो आप जो है v की वैल्यू और f की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसलिए जो है यहाँ पे कैन नोट वगैरह का जो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको पहले काम ये करना है कि इसको चेक कर लेना है कि ये आपका हार्मोनिक फंक्शन है या फिर नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, करली यू बाई करली एक्स, क्या है करली यू बाई करली एक्स करेंगे तो यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा सिक्स एक्स वाई, और अगेन करेंगे करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर, ये आपको जो है क्या मिल जाएगा सिक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा करली यू अपॉन करली वाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आपको जीरो मिलेगा क्योंकि वाई का फंक्शन ही नहीं बचा है। तो यदि हम इन दोनों का सम करें तो यहाँ से आपको सिक्स वाई मिल जाएगा प्लस का जीरो, मीन्स क्वांटिटी आपको क्या मिल रही है सिक्स वाई, क्या ये आपका जीरो के इक्वल मिल रहा है, जी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका जो है क्या नहीं हो पाएगा, ये फंक्शन आपका इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है ये आपका फंक्शन ये मिलेगा, और ये फंक्शन आपका क्या हो पाएगा, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन तो नहीं होगा, मतलब लैपलास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब हार्मोनिक नहीं है, जब ये हार्मोनिक नहीं है तो इसकी हेल्प से हम जो है किसको नहीं फाइंड आउट कर सकते, वी को फाइंड आउट नहीं कर सकते और ना ही हम जो है एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होलोमार्फिक चेक करने का मतलब, होलोमार्फिक का मतलब क्या होता है एनालिटिक, ठीक है। एफ कैन नॉट बी एनालिटिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ बी, वी के किसी भी चॉइस के लिए,
आप वी को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो चॉइस क्या होगी। ठीक है, किसी भी वी की वैल्यू के लिए ये जो आपका फंक्शन है ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका जो है कैसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में ये है होलो हार्मोनिक, क्या है होलोमार्फिक, कौन सी आप फार आर सुटेबल चॉइस, जी नहीं, सेकेंड आपका रंग है होलोमॉर्फिक, कौन सी फॉर ऑल चॉइस, आप भी वी की वैल्यू ही आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो थर्ड ऑप्शन भी रंग है। कहता है यू इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन कैसा है, ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों नहीं, यहाँ पे जो है आपको या जेड इज इक्वल टू जीरो पे करेंगे तो ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, या फिर कैन नॉट बी होलोमार्फिक ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर एनी चॉइस ऑफ बी, आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे कहता है पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, क्या है पार्ट सी का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है लेट एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मैपिंग चलाई गई है, बी आर होलोमार्फिक, मतलब होलोमार्फिक फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन, एंड लेट यू बी द रियल पार्ट ऑफ एफ एंड बी बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ, देन फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है जो कि यहाँ पे क्या है, ये आपको जो है एफ डैश एक्स प्लस आयोटा वाई की मोड रेज टू पावर 2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्या है इसकी जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा और कौन सा ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। पार्ट सी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आपको देखनी है, अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड ये लिखा हुआ है, क्या है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका यू प्लस आयोटा इंटू वी होता है। इसका डेरिवेटिव हम करें तो यहाँ पे डेरिवेटिव आपको जो है यू एक्स प्लस आयोटा इंटू वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर 2 है, एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर 2 है मतलब यू एक्स स्क्वायर है प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये आपका एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होगा और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है। ओके, यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर मतलब ये ऑप्शन आपका ट्रू है, क्या है ये आपका ट्रू है। अब यहाँ पे जो है देखिए वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी एक्स की वैल्यू यू आई है, वो भी माइनस के साथ, अब माइनस यू आई का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो चुका इसको यूज करने से यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू। ठीक है, बोथ साइड का स्क्वायर हमने किया तो वी एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू वाई के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज इट इज ये वाला है और इसको चेंज किया है, यू एक्स इज इक्वल टू क्या है वी वाई, मीन्स वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ये ऑप्शन ट्रू हो चुका। यहाँ पे अब सबको बी के अंदर कन्वर्ट किया है, मीन्स यू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई की वैल्यू आपको वी एक्स स्क्वायर मिलेगी, मीन्स वी वाई स्क्वायर प्लस का वी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या है स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि फंक्शन आपका होलोमार्फिक है मतलब एनालिटिक है, एनालिटिक है तो वो आपके कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो इसका हम यूज अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन को पिक करने में कर सकते हैं जो कि हमने किया। तो यहाँ से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपको फंक्शन डिफाइंड किया गया है, फंक्शन आपका कैसा है साइन जेड है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ये आपका कैसा फंक्शन है, 1 1 है, सेकेंड ऑप्शन में आन टू है, थर्ड ऑप्शन में 1 1 आन टू बोथ, और फोर्थ ऑप्शन में नाइदर 1 1 नॉर आन टू। जो आपका साइन जेड है, क्या है जो आपका फंक्शन साइन जेड है, इसको आप याद रख लीजिए, ये आपका 1 1 फंक्शन है, ये आपका आन टू फंक्शन नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सेक जेड इच,
क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सेक जेड, और सेक जेड को आप क्या लिख सकते हो, वन बाई कोस जेड। अब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन तब होता है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है, उस पॉइंट को हटा दीजिए। जो आपका फंक्शन एफ जेड है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होगा, और कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एंटायर होगा एक्सेप्ट दो जो पॉइंट जहाँ पे इसका बाई वाला जीरो हो रहा है। मतलब ये देख लीजिए कि यहाँ पे कॉस जेड की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, मतलब इसको प्रॉब्लम कहाँ से होगी, जब इसके बाई में जीरो आएगा तब तब इसको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो कॉस जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आर्ड मल्टीपल ऑफ पाई, क्या है, आर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी जी कॉस टू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पाई बाई टू मिल जाएगा, क्या है, जेड यानी जी कॉस टू जीरो, जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी जी कॉस टू वन, इसकी वैल्यू थ्री पाई बाई टू। इस तरीके से इन सभी पॉइंटों के ऊपर ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसके यदि हम एनालिटिक की बात करें तो एनालिटिक कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से ये आपको जो है हटाना होगा, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, इन सभी पॉइंटों को आप हटा दीजिए। इन सभी पॉइंटों के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और ना ही इन सभी पॉइंटों के ऊपर आपका फंक्शन एंटायर फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है। जब भी बाई में पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में हो, रैशनल फॉर्म में हो, तो ये देखिए कि बाई वाला कहाँ पे जीरो बनता है, कॉन्स्टेंट है, ये तो एंटायर है और ये भी आपका एंटायर है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, बाई वाले जीरो से। तो यहाँ से बाई जीरो वाला जो जो पॉइंट पे मिल रहा है, उन पॉइंटों को कॉम्प्लेक्स प्लेन से हटाइए, और हटाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बचेंगे उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर फंक्शन आपका एनालिटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है एनालिटिक फॉर ऑल जेड, जी नहीं, जेड तो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। यदि हम जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू ले ले, तो पाई बाई टू लेने से कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बाई में जीरो होगा, इसको प्रॉब्लम आएगी और ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है। कहता है एनालिटिक फॉर ऑल जेड, जी नहीं, फॉर ऑल जेड के लिए नहीं है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका एनालिटिक नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए आप फर्स्ट नहीं पिक कर सकते। कहता है एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू पाई, ये आपका जेड इज इक्वल टू पाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी कैटेगरी में पाई तो है नहीं। मतलब यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है दूसरा वाला ऑप्शन है, कहता है एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू पाई, ये आपका ट्रू ऑप्शन है। नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब इस पॉइंट को हटाना है, हटाना है मतलब उस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक नहीं है, मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड थर्ड आपका ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन में आपका कहता है नन ऑफ दी, जब आपने सेकंड और थर्ड ऑप्शन को पिक कर लिया है तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका सेकंड और थर्ड आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17, यहाँ पे यू को देकर के आपको वी से वी की वैल्यू पूछा है, क्या है, यू को आपको दिया गया है और यहाँ से आपको वी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। देखिए देखिए, u आपको गिवन है, क्या गिवन है, x क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स, आपको किसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे कहता है कि जो आपका u प्लस आयोटा भी है, इसका मतलब f ऑफ z, ये आपका कैसा है, होलोमार्फिक है, मतलब एनालिटिक है, एनालिटिक है, तो ये क्या करेगा, कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस आपको वी एक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, करली v बाई करली x इंटू डी एक्स प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू रखिए, वी एक्स और वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वी एक्स की वैल्यू है ये आपका माइनस का यू वाई इंटू डी एक्स है, प्लस वी वाई की वैल्यू आपको यू एक्स मिल जाएगा और ये आपको डी वाई, और यहाँ से आपको जो है यू वाई की वैल्यू पता है, क्या है, यू वाई की वैल्यू आपको पता है, यू वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, यू वाई क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको जो है थ्री एक्स रेज टू पावर टू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स वाई और ये आपका dx प्लस
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर और ये आपका डी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए कि यह आपका जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए मान लीजिए आपने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने से ये आपका एम है और ये आपका एन है। पहले तो ये चेक कीजिए कि ये आपका एग्जैक्ट बन रहा है या नहीं। तो यहाँ से एग्जैक्ट बनने के लिए कर ली एम बाई कर ली वाई एज इक्वल्स टू कर ली एन बाई कर ली एक्स, इसको भी अभी छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट बनने की बात छोड़िए, अब यहाँ पे जो है यम के अंदर जो होता है वो क्या होता है, कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। क्या है? कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे एन डी एक्स क्या होता है, यहाँ पे जो है वो टर्म में यन की लेनी होती है जो कि आपका फ्री फ्रॉम एक्स हो। क्या है? फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री क्या है, एक मिनट यहाँ पे देखिए करली वी, यहाँ पे करली यू बाई करली एक्स, यक्स करेंगे तो यहाँ पे जो है थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे प्लस का टू मिल जाएगा। ठीक है, प्लस का टू फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री क्या है, ये टर्म है और ये टर्म है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको टू माइनस ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ से आपको वी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा सिक्स, वाई आपका कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स हो चुका है, यहाँ से आपको टू वाई माइनस थ्री वाई की पावर थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा टू थ्री या सिक्स सी थ्री वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वाई रेज टू पावर थ्री, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा थ्री वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर वाई मतलब ये रहा माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई, मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। क्या फर्स्ट भी मैच कर रहा है? जी नहीं। थर्ड मैच कर रहा है? जी नहीं। फोर्थ मैच कर रहा है? जी नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है यही हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है लेट एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन बी एन एनालिटिक फंक्शन फोर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेट यू वी सच दैट आर टू टेंस टू आर बी सच दैट यू एक्स वाई क्या है आपका रियल पार्ट है फंक्शन का, वी जो है आपका फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से आपको जो है बतानी है कि कौन सा आपका फंक्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, यहाँ पे भी ऐसे ही करना होगा सॉल्व। जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है मतलब कासी रहमान इक्वेशन को तो करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है और यू प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये क्या है एनालिटिक है, तो कासी रहमान इक्वेशन को यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू वी रियल और इमेजिनरी पार्ट है, रियल और इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हम क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली वाई स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली स्क्वायर यू बाई कर ली वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा कर ली स्क्वायर, वन टाइम करेंगे तो करली स्क्वायर वी अपॉन करली एक्स करली वाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, पहले बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस बाहर कर लिया हमने, फिर इसके बाद जो है वन टाइम वाई के रिस्पेक्ट में तो करली स्क्वायर वी बाई करली वाई करली एक्स। अब यहाँ पे करली वाई करली एक्स या फिर करली एक्स करली वाई जो होता है वो सेम बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको जीरो मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आते हैं यहाँ पे वी के फॉर्म में है मतलब इन दोनों का जो सम है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी नेगेटिव की हो जाएगी, फिर से यहाँ पे करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई और करली स्क्वायर यू बाई करली वाई करली एक्स हो जाएगा, फिर से ये क्या दे देगा जीरो, मतलब जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपका यू होगा और यहाँ पे आपका वी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा और ये आपका यू हो जाएगा
और ये फिर से कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी क्या मिलेगी आपको, फिर से जीरो मिलेगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। क्या है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ली एक्स कर्ली वाई की वैल्यू, या आपको कर्ली स्क्वायर वी बाई कर्ली वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या है, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स। क्या है, कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, इसको वाई है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से जो है आपको कर्ली स्क्वायर बी बाई कर्ली एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को यदि हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या है, यदि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो ये चीज़ें क्या आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। क्या है, नेगेटिव में आएंगी, और यदि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर दें तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। और यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन का यूज करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि इन दोनों का सम करें, सम करने से ये आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा लेफ्ट साइड की वैल्यू, और राइट साइड में ये इसका सम आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड का यूज करेंगे, इसकी जो सम की वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। मतलब दिस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू जीरो है, इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कहता है कर्ली स्क्वायर बी बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, तो यहाँ से यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, और जब प्लस है तो यहाँ पे आपको जो है ये साइन जो है नेगेटिव करके जीरो नहीं मिल पाएगी। यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो आपका ट्रू नहीं होगा। ट्रू ऑप्शन आपका कौन कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कहता है लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है, एफ ऑफ जेड जो इन्होंने गिवन है वो आपको साइन जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। बी आ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ रेगुलर मतलब एनालिटिक पॉइंट्स ऑफ जेड देन। अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है भी या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइन जेड तो आपका एनालिटिक है, एंटायर भी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली गई है, और इसका मतलब क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट। यहाँ से पहले इसको भी छोड़िए, पहले इसको चेक कीजिए कि ये फंक्शन पहले आपका एनालिटिक है या फिर नहीं है। यदि ये एनालिटिक नहीं होगा तो ये सेट के अंदर जो रेगुलर पॉइंट की कलेक्शन होगी वो जीरो जाएगी, मतलब फाइव होगा, इसका कोई भी पॉइंट एनालिटिक नहीं होगा। जो भी होगा अब यहाँ पे पहले आपको चेक करना होगा, फिर आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि इसके पास कोई पॉइंट जो है एनालिटिक पॉइंट है या फिर नहीं, मीन्स ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या फिर नहीं है। ठीक है, देखेंगे। अब यहाँ पे जो है साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन एक्स कोस आयोटा वाई, कोस हाइपरबोलिक के अंदर चेंज हो जाएगा, आयोटा बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे आयोटा बाहर आ जाएगा, कोस एक्स, और ये आपका आयोटा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ये आपको मिलेगा अंडर रूट। क्या है, ये आपको मिलेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स कास हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्या है साइन एक्स कोस आयोटा वाई, और यहाँ पे जो है कोस एक्स, ये आपका साइन हाइपरबोलिक। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई मिल जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, क्या है ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है इसको तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये आपको जो है इसकी वैल्यू ये मिलेगी। क्या है, इसकी जो वैल्यू है आपको ये मिलेगी, और प्लस में आपको जीरो इंटू वी मिल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको जो है ये मिलेगा प्लस का जीरो इंटू वी।
अब यहाँ पे जब आप करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, मीन्स ये आपका कासी इक्वेशन को, कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन आपका किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। मतलब इसके अंदर जो है, जो यस है वो इसके एनालिटिक फंक्शन की कलेक्शन डाली गई है, मतलब इसके अंदर कोई भी सेट नहीं जाएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा। तो इस सेट क्या हो जाएगा, फाई। और आपको पता है कि जो आपका फाई होता है वो क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। क्या है, फाई आपका काउंटेबल सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट में फाई है, तो फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड में काउंटेबल है, या सेकंड भी आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड में अनकाउंटेबल है, जब ये काउंटेबल हो चुका है तो अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। यस इज इक्वल टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब इसके पास अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो चुका है, थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, कहता है लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड हार्मोनिक फंक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज एफ सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो एफ है वो आपका जो है क्या कर रहा है, एफ आपका हार्मोनिक कंडीशन को, मतलब ये आपका जो है लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन, एफ, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे कहता है डिफाइन द फंक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और जी इज इक्वल टू इन्होंने क्या दिया है, एफ बाई कर्ली एक्स माइनस आयोटा इन टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई। और एच इज इक्वल टू ये दिया है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस आयोटा इन टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हार्मोनिक मतलब क्या चेक करना है, एनालिटिक चेक करना है। क्या है, हार्मोनिक का मतलब आपको यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन चेक करना है कि कौन सा फंक्शन आपका एनालिटिक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। ये बारे में इन्होंने बताया है, इसको एनालिटिक चेक करने के लिए ये आपका क्या होना चाहिए, ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए और यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका यू है और ये आपका वी है, ठीक है। यू की बात करें जी के लिए कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स है, ठीक है। पहले जी के लिए चेक करते हैं, यू आपका क्या हो जाएगा कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स और वी क्या हो जाएगा माइनस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे यू एक्स की बात करें तो यहाँ से कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी वाई की बात करें तो यहाँ से आपको जो है माइनस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साइड लेके आएंगे तो यहाँ से आपको कर्ली स्क्वायर, या फिर हम यूँ कहें कि इसकी जो वैल्यू है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर की, ये किसके इक्वल है, माइनस कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर के। मतलब ये आपका जो है पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाई है, क्या है, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। यू वाई की वैल्यू यदि हम देखें तो ये आपका कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई कर्ली एक्स हो जाएगा। और यहाँ से जो है वी एक्स की वैल्यू यदि हम देखें तो ये आपको जो है माइनस कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स होना चाहिए। और यहाँ पे कर्ली वाई कर्ली एक्स करें तो वो चीज़ें सेम है जो कि सेम दे रही है, मतलब जो आपका जी फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। क्या है, जी आपका एनालिटिक फंक्शन है। एच को चेक करते हैं, एच में क्या होगा, एच के अंदर जो यू है वो कितना है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स है और जो वी है वो आपका कर्ली एफ बाई कर्ली वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी हो जाएगी, कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर करेंगे ये आपको कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है, तो यहाँ से आपको माइनस कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस वन इज इक्वल टू वन क्या कभी पॉसिबल होगा, ये आपका कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, माइनस वन आपका कभी भी वन के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब जो आपका जी फंक्शन है, यहाँ पे जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है इसके, वो आपके कासी रहमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब यह आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। क्या है, यह चीज नॉट अ एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। और जो जी है वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क तो हमने कर लिया है। क्या है, कैलकुलेशन वर्क जो भी हमें करना था वो तो हमने कर लिया है, अभी जो है हमें ऑप्शन के ऊपर आने हैं।
ऑप्शन पे यदि हम बात करें तो कहता है जी एंड एच आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन, मतलब एनालिटिक है, दोनों के दोनों एनालिटिक है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सी में कहता है सेकंड ऑप्शन में जी इज होलोमार्फिक बट एच नीड नॉट बी होलोमार्फिक। यस, एच जो है हमारा होलोमार्फिक नहीं है, मतलब एनालिटिक नहीं है। जी तो एनालिटिक है लेकिन एच आपका एनालिटिक नहीं है। थर्ड ऑप्शन में एच इज होलोमार्फिक बट जी नीड नॉट बी होलोमार्फिक, ठीक है, जी नहीं, जी तो हमारा एनालिटिक हो चुका है, होलोमार्फिक है। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है बोथ जी एंड एच आर आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो फंक्शन, जी नहीं, जीरो फंक्शन के आइडेंटिकली इक्वल नहीं होगा। यहाँ से हमारा ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा इस टेस्ट का, ठीक है। आपको जो है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है और नेक्स्ट टेस्ट के लिए अपने जो भी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करना होगा। ओके।